आज हमारा पहला दिन है जिसमें हम एग्रो प्रोडक्ट्स का ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय करना चाहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर मोहन, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं जो एग्रो प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग के दौरान उपस्थित रहे लास्ट ईयर। कुछ लोगों के लिए मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर मोहन, पिछले 22 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के फील्ड में काम कर रहा हूँ, और करीबन 112 कंट्रीज में मैंने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर में काम किया है। नेशनल और इंटरनेशनल तौर पे मैंने साइंटिस्ट के तौर पे काम किया है, और पिछले कुछ सालों से मैं इंडिया एग्रो एमआई लाइफस्टाइल के साथ में जुड़ा हूँ, और ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का कारवा हम आगे बढ़ा रहे हैं। हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी, हमारी हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी और एमआई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, इन लोगों ने हमारे साथ में ये लॉकडाउन के दौरान हमारे लिए जो ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरुआत करी है। तो आप हमारे साथ में यूट्यूब के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो आप यूट्यूब चैनल में हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी के चैनल के साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आने वाले कुछ वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपको आती रहे। ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान हमें जूम ऐप के जरिए से हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी ने नॉलेज का जो पिटारा हमारे लिए खोला है, और ऑनलाइन हम घर बैठे ही नॉलेज इस्तेमाल करें और ट्रेनिंग्स प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेते रहे, तो इसके लिए मैं हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी और एमआई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का धन्यवाद देता हूँ। हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी, जब हम सीखते हैं तब हम अर्न करते हैं, सीखने के साथ में हमारा अर्निंग, लर्निंग अर्निंग विथ लर्निंग, ये जो कंसेप्ट हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी हमारे लिए साथ में लेके आई है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जो लोग हमारे साथ में फेसबुक में जुड़ रहे हैं, हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी के फेसबुक पर जाए और हमारे ये सभी वीडियोस जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के है वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ वो एंजॉय कर सकते हैं। हमारे जो अलग अलग तरीके के ब्रांड्स है, जैसे एलिमेंट्स है, ऑन एंड ऑन है, आहार है, न्यू स्टार है, यमाई होम है और इंडिया ग्रो, इन सभी का हमने ऑनलाइन अभी घर बैठे ही ट्रेनिंग शुरुआत करी है। इसी सिलसिले में आज हम इंडिया ग्रो ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगा, जो लोग हमारे साथ में यूट्यूब में जुड़ना चाहते हैं वो हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इस लॉकडाउन के दौरान हम बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम घर बैठे अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाए, और इस साल एक सवाल हमारे सामने आता है, भाई एग्रीकल्चर बिजनेस, हम एग्रीकल्चर का बिजनेस क्यों करें। आज की डेट में अगर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंडिया में तकरीबन 68% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ में जुड़ी हुई है। हम लोग एक किसान को अगर हम कन्विंस करते हैं, तो एक किसान एक साल के 3 सीजन और अगले 10 साल तक वो हमारा कस्टमर बना रह सकता है। ये हमारे इंटीरियर मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए हमें आसान सा तरीका है। ये कोई भी कंपनी के लिए निश मार्केट है, अनटच मार्केट है, जिसमें हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं है, हमारे साथ में हमारे प्रोडक्ट्स के साथ में कोई कंपैरिजन नहीं है, और ये आज सिर्फ इंडिया की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें हम एंटर करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में आता है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर, मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। जैसे 2012 में हम लोग 1,24,863 की हमारी मिलियन यूएस डॉलर की हमारी इकोनॉमी रही है एग्रीकल्चर की, जो 2018 में 2,29,884 मिलियंस यूएस डॉलर की है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट है जो हमारे लिए ओपन की गई है। इसमें अगर हम देखा जाए तो केमिकल पेस्टिसाइड और बायो पेस्टिसाइड के सेगमेंट में हम आ रहे हैं। केमिकल पेस्टिसाइड का सेगमेंट कैसा और बायो पेस्टिसाइड का सेगमेंट, जो फिगर मैंने आपको बताई है
2,22,000 मिलियन यूएस डॉलर। तो उसमें देखिए 2015 के लगभग हमारा केमिकल पेस्टिसाइड का मार्केट तकरीबन 70% था और जब हमारा मार्केट 30% था। बट आज 2018 की जो फिगर है हमारे लिए कितना बड़ा मार्केट का भंडार खुला हुआ है वो देखिए। 2018 में हमारा केमिकल पेस्टिसाइड का मार्केट 45% था। जो फिगर हमने पिछली स्लाइड में देखी वही फिगर 2,22,000 मिलियन यूएस डॉलर का 45% केमिकल के लिए, जबकि हमारे लिए 55% जो है बायो पेस्टिसाइड के लिए मार्केट है, जो आगे आने वाले सालों में हमारे लिए प्रतिशत बढ़ते जा रहे हैं, हमारी पॉसिबिलिटीज बढ़ते जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितना बड़ा मार्केट आज ओपन है, हम जहां पर बिजनेस कर सकते हैं, हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं है। तो कितने लोग यहां पर बिजनेस बढ़ा सकते हैं। इंडियन पेस्टिसाइड का मार्केट अगर देखा जाए तो जो फिगर हमने आपको पिछली स्लाइड में बताई उसमें इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशकों का 53% सेक्टर रहा, फंगिसाइड फफूंद नाशक का 25% रहा, हर्बिसाइड्स 18%, तननाशक जिसे बोलते हैं खरपतवार जिसे बोलते हैं वो 18% है और 4% जो है वो अदर दवाइयां काम में आती हैं। अगर हम इंडिया को 4-5 सेक्टर में अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2018 की फिगर देखिए, नॉर्थ इंडिया में 25% जो फिगर हमने आपको पीछे बताई है उसकी 25% नॉर्थ इंडिया में बिजनेस होता है, साउथ इंडिया में 30% होता है, 30% वेस्ट इंडिया में जिसमें गुजरात महाराष्ट्र वगैरह आते हैं उसमें 40% एग्रीकल्चर में बिजनेस होता है, ईस्ट इंडिया में हमारा 14% होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारा 2% बिजनेस होता है। जोन वाइज अगर हम जिस जोन में बैठे हुए हैं उस जोन का अगर एग्रीकल्चर का फिगर हम देखें तो वो प्रतिशत से हम निकाल सकते हैं कितनी बड़ी मार्केट में हम बैठे हुए हैं। अगर स्टेट वाइज बिजनेस के बारे में अगर हम देखा जाए तो आंध्र तेलंगाना दोनों को कंबाइन अगर हम बिजनेस देखते हैं तो 30% हमारा बिजनेस जो है अकेले आंध्र और तेलंगाना से आता है। दूसरे पायदान पर आता है महाराष्ट्र जो 20% आता है, पंजाब आता है तीसरे पायदान पर जो 16% बिजनेस टोटल बिजनेस में से आता है। एमपीएन छत्तीसगढ़ को अगर हम एक पकड़े तो 13% जो है एमपीएन छत्तीसगढ़ में आता है, 11% कर्नाटका और 10% गुजरात। ऐसे मेजर स्टेट्स है जहां से एग्रीकल्चर का बिजनेस हम ले सकते हैं और इस स्टेट में बिजनेस आता है। अगर किस प्रकार की खेती में कितने प्रतिशत अगर बिजनेस, देखिए मेरा एक ही आपको उद्देश्य है कि इतना बड़ा मार्केट, इंडिया का मार्केट कौन सा है, कौन से एरिया में कौन सा मार्केट होता है, किस सब्जियों में किस खेती में कितना बिजनेस होता है, तो आप समझ लीजिए 40% जो पेस्टिसाइड का बिजनेस है वो कॉटन की खेती से आता है, चावल की खेती से 18% आता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की खेती में 20% आता है, 10% जो है दालें और ऑयल सीड्स में आता है, प्लांटेशन क्रॉप से 7% एंड अदर इसमें 5% आता है। आप जिस प्रदेश में बैठे हैं उस प्रदेश में किस प्रकार की खेती की जाती है, कौन से क्रॉप लगाए जाते हैं और उसका कितना प्रतिशत आपको मिल सकता है, आपके स्टेट में कितना बिजनेस है, तो मैंने एक रोड मैप आपके लिए दिया है कि आप लोगों ने एग्रीकल्चर का बिजनेस क्यों करना चाहिए और कितना बड़ा मार्केट आपके लिए ओपन है, ये समझने के लिए आपको हेल्प करेगा। आज की प्राथमिकता है, आज लॉकडाउन के बाद में और COVID-19 के दौरान हमें कुछ चीजें सीखने को मिली है। आज की प्राथमिकता जो है वो भोजन स्वस्थ और विष मुक्त पौष्टिक भोजन के लिए आज लोग पूछ रहे हैं। वर्ल्ड इज आस्किंग फॉर पॉइजन फ्री फूड, दुनिया जहर मुक्त भोजन के लिए पूछ रही है। एवरी कंट्री इज आस्किंग फॉर जहर मुक्त भोजन, जिसके लिए हमारी पिछले 3 सालों से पहल हो रही है, चल रही है और आज हम पायोनियर वर्कर इस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। आज की सबसे बड़ी प्राथमिकता वाला व्यवसाय कृषि ही है। आज की सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है किसानों की वो है सेवाएं और दरवाजे पर, उनके दरवाजे पे उत्पादक का अवेलेबिलिटी।
और एक हम ऐसी कंपनी है जो एक छत्ते के नीचे हमारी सभी कृषि समाधानों का समाधान हम कर सकते हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्रीकल्चर का बिजनेस करते वक्त या अपने यमाई लाइफस्टाइल की कंपनी का बिजनेस करते वक्त घर पर ही रहे, सुरक्षित रहे, घर से ही खेती करने के लिए आप हेल्प करें, किसान भाइयों के लिए हेल्प करें और सुरक्षित रहे। सुरक्षा निर्देशों का जो सरकारी लोगों ने दिया है वो निर्देशों का पालन करें। हमारे एग्रीकल्चर अम्ब्रेला जो है उसमें हम क्रॉप प्रोटेक्शन में 7 प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे किए हैं और क्रॉप न्यूट्रिशन में हम 3 प्रोडक्ट के साथ में मार्केट में है। ऐसे कुल हमारे 10 प्रोडक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने दिए हैं, जिसमें पीक संरक्षण यानी कि क्रॉप प्रोटेक्शन सेक्टर में हमारे पीपीएच बस्टर, ट्रिपमाइट, प्लांट एस्कॉर्ट, व्हाइट क्रश, फंगी कवच, वायरस और भूअस्त्र, इस प्रकार के 7 प्रोडक्ट हमने दिए हैं। क्रॉप न्यूट्रिशन में हमने ग्रो मैजिक, यमाई स्प्रे और मॉडिफाई, ये 3 प्रोडक्ट दिए हैं। तो आज हम पहले दिन में 3 प्रोडक्ट के बारे में आज जानेंगे। हमारे प्रोडक्ट्स क्या है? हमारे प्रोडक्ट्स ये ऑर्गेनिक तरीके से बनाए गए हैं। आप ये कह सकते हैं कि हमारा एंसेंट नो हाउ जो हमारा आयुर्वेदा था, वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट इन एग्रीकल्चर फॉर मॉडर्न एग्रीकल्चर। हमारे जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ है, ये फॉर्मुलेशन आयुर्वेदिक दवाइयाँ है और ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ अपनी खेती के लिए हमने ये इस्तेमाल किया है ताकि हम हमारे प्रोडक्ट्स आज की डेट पे अगर पॉइजन नहीं है तो वो कीड़ों के ऊपर में किस प्रकार से काम करते हैं ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे प्रोडक्ट्स जिस पौधे के ऊपर छिड़काव करने के बाद में अगर कीड़ा उसके ऊपर आता है और खाने की कोशिश करता है तो इंसेक्ट के माउथ पार्ट जो है, मैंडिबल्स जिसे बोला जाता है, वो चोकअप हो जाते हैं। मतलब गले में जो मैंडिबल्स होते हैं टॉन्सिल्स की जैसे जो कीड़े के उसमें होता है तो गला चोकअप हो जाता है। सेकंड इम्पैक्ट उसके ऊपर होता है कि कीड़े की नर्वल सिस्टम जो है वो ब्रेकडाउन हो जाती है। तीसरा इम्पैक्ट या तीसरा आघात उसके ऊपर होता है जो कीड़े के लिए पैरालिटिक बॉडी अटैक हो जाता है और उस कीड़े के अंदर से पानी की मात्रा बाहर निकल जाती है। ऐसे 4 पॉइंट प्रोग्राम अपने कीड़ों के ऊपर में या फफूंद के ऊपर होता है। इस तरीके से छिड़काव करने के 24 घंटे के दौरान अपने कीड़े का खात्मा हो जाता है। इसका मतलब हमने किसी कीड़े को नहीं मारा है, कीड़ा अपने आप अपनी पौधों के ऊपर आया है और उसने खाया है और खुद ही मर गया है। हमारे किसी भी दवाई में कोई किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं है, आप किसी भी प्रकार से अपनी दवाई से सुसाइडल अटैक नहीं कर सकते हैं। अपने सभी प्रोडक्ट्स जो हम 10 प्रोडक्ट दे रहे हैं वो प्रोडक्ट्स हमारे NPOP सर्टिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्वोच्च सर्टिफिकेशन एजेंसी है फॉर ऑर्गेनिक फूड। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन हमारे पास में है और इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए इंटरनेशनल फोरम ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड मटेरियल सर्टिफिकेशन जिसे हम IFOM सर्टिफिकेशन बोलते हैं, ये दोनों सर्टिफिकेशन अपने पास में है और ऐसे दोनों सर्टिफिकेशन रहने वाली एकमात्र कंपनी है यमाई लाइफस्टाइल। अभी आने वाले कुछ दिनों में अगर हम बिजनेस के बारे में अगर देखें तो आज मई महीने में ऑलरेडी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर का बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वहाँ के किसान भाई और अपने जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं वो सभी ने इस एरिया में अपने बिजनेस के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। आने वाले जून में गुजरात, महाराष्ट्र, MP, UP, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पार्ट्स ऑफ बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका का कुछ पार्ट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड केरला इमीडिएटली स्टार्ट होने वाला है जून महीने में इसका बिजनेस। मतलब हम इस समय जो बात कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट के बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये बिजनेस पूरा का पूरा ओपन है। हम इमीडिएटली ये बिजनेस को एक्वायर कर सकते हैं। जुलाई के महीने में पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, आसाम, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा जो 7 सिस्टर्स हमारे हैं वो बिजनेस भी जुलाई में शुरुआत होने जा रहे हैं। अगर हम कुछ इंसेक्टिसाइड जिसे हम बाय डेफिनेशन तो नहीं है बट समझने के लिए हम इसे इंसेक्टिसाइडल बोल सकते हैं, अगर उस दवाइयों के बारे में अगर हमें
जानकारी लेनी है तो सबसे पहले हमें कीड़ा होता क्या है, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। आप अपनी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, एक मैंने एक बटरफ्लाई दिखाई है, तो उसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, इंसेक्ट के ग्रोथ स्टेजेस जैसे बढ़ने की अवस्थाएं क्या होती है वो आप समझिए। बटरफ्लाई जिसे हम एडल्ट स्टेज बोलेंगे, बटरफ्लाई में नर और मादा होते हैं जिनका मिलन होने के बाद में 4 दिनों के बाद अंडे डाले जाते हैं अपनी खेती में, अपनी पत्तों के ऊपर, फलों के ऊपर, फूलों के ऊपर इसका अंडे डाले जाते हैं। अंडे डालने के 3 दिन के बाद इस अंडों से छोटे छोटे न्यू बॉर्न इल्लियां बाहर निकलती है जिसे हम लार्वा बोलते हैं, गुजराती में ईयर बोलते हैं, सुंडी बोलते हैं, ये बाहर निकलती है। ये 4 अवस्थाओं में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 में 4 अवस्थाओं में बढ़ती है। उसके बाद ये प्यूपल स्टेज में चली जाती है जिसे डॉर्मेंट स्टेज बोला जाता है, ये रेस्टिंग स्टेज बोला जाता है, उसमें चले जाते हैं और ये पूरी लाइफ साइकिल अलग अलग कीड़ों में 21 दिनों से लेके 45 दिनों तक ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। अलग अलग जनरेशंस हो सकती है, तो हमें किस जनरेशन में किस स्टेज पर अपनी दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए ये समझने के लिए मैंने ये लाइफ साइकिल आपको समझाई। मुख्यतः किस प्रकार के कीड़े होते हैं ये समझना बहुत जरूरी होता है। कीड़े चार प्रकार के होते हैं जिसे पियर्सिंग एंड सेकिंग, इसका मतलब भेदी और चूसने वाले कीड़े, चबाने और काटने वाले कीड़े जिसे हम च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप बोलते हैं। तीसरा पार्ट आता है रास्पिंग प्लांट टिश्यू जिसको छीलन बोला जाता है, जिसमें कुछ कीड़े आते हैं, और जमीन से आने वाले कीड़ों के लिए सॉइल इंसेक्ट बोला जाता है। तो ये चारों इंसेक्ट्स अगर हम देखें तो पियर्सिंग एंड सकिंग में एफिड, जासिड, थ्रिप्स और माइट्स ये रस चूसने वाले कीड़ों के सेगमेंट माना जाता है। चबाने और काटने वाले में ईयर का सेगमेंट या सुंडी का सेगमेंट माना जाता है। छीलन में व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी ये सेगमेंट माना जाता है। जमीन से आने वाले कीड़ों में व्हाइट ग्रब, टर्माइट्स जिसे कटवर्म्स और मोल क्रिकेट जो रात में बारिश के दिनों में आवाज करते हैं वो कीड़ों को इसमें डाला जाता है। ऐसे 4 प्रकार के कीड़े हम समझने के लिए काफी है। तो हम पहले प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं जो भूअस्त्रा, उसका नाम है भूअस्त्रा। जो हमने कीड़ों के सेगमेंट देखे हैं जमीन से आने वाले कीड़ों के लिए ये काम करता है। भूअस्त्रा एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसे हम अगर देखें तो आज ऑल ओवर इंडिया में 2 लाख करोड़ का मार्केट आज अपनी मार्केट में है। ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां भी जिस प्रकार की खेती की जाती है, सीजन से पहले जब जमीन तैयार की जाती है, बैल जब जोते जाते हैं, खेत जब जोता जाता है, तब ये दवाई का काम पड़ता है। जमीनों में बीज लगवाने से पहले या कुछ सीडलिंग लगाने से पहले ये जमीन में डाला जाता है ताकि आपके जो बीज का अंकुरण हो, जर्मिनेशन हो, तब कोई जमीन में जो कीड़े होते हैं वो आपकी पौधों के ऊपर या उसको नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए भूअस्त्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जमीन से आने वाले कीड़े, गोबर खाद से आने वाले कीड़े या दीमक जो जमीन से लगती है उसके लिए, या जमीन में कहीं कहीं पर कुछ एरियाज में सांप का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, सांप आते हैं बारिश के दिनों में, उस दौरान अगर आप ये डालते हैं घर के अगल बगल में तो आपके घर के आसपास सांप नहीं आएंगे, ये सबसे बड़ा है। और आप मार्केट की साइज अगर देखेंगे तो 2 लाख करोड़ का मार्केट अपने लिए ऑल ओवर इंडिया में है। और सबसे अच्छी बात है पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जमीन से लगने वाले कीड़े थे उसके लिए जो रेड ट्रायंगल वाले जो दवाइयां थी वो सब की सब बैन कर दी है। आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया में जो 2 लाख करोड़ का मार्केट अवेलेबल है उसमें मार्केट में देने के लिए कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है सिवाय अपने भूअस्त्र के। तो कितना बड़ा मार्केट अपने लिए अवेलेबल है ये आप समझ सकते हैं। अपने लिए कोई कंपटीशन नहीं है, दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ आपको किसान भाइयों को जमीन में बीज लगवाने से पहले ये प्रोडक्ट आपको देना है और उसे ये समझाना है। एवरी फार्मर जो खेती करता है उसकी बीज के साथ में इसकी डिमांड आती है
और ये हर किसान की डिमांड होता है। पॉइजन फ्री है, इसमें किसी भी प्रकार का विष नहीं है और ये जमीनों के लिए एकदम इको फ्रेंडली काम करता है। आपके सामने व्हाइट ग्रब, कुछ ग्रब्स आपके दिखाए गए हैं जो कीड़ों के ये है। ये जैसे ही बारिश का पहली बूंद जमीन पे पड़ते हैं ये सक्रिय हो जाते हैं और जब बीज का अंकुरण होता है उसके ऊपर में अटैक करते हैं, दीमक का अटैक होता है, उसी समय आपको ये जमीन से डालना है। एक एकड़ में आपको 4 किलो जो शॉर्ट टर्म के क्रॉप्स है और पेरेनियल क्रॉप जैसे गन्ने की खेती हो, बनाना की खेती हो, केले की खेती हो, इन सभी क्रॉप्स में आपको एक एकड़ में ये आपको 6 से 8 किलो डालना है। अब दूसरे प्रोडक्ट्स के आते हैं जिसका नाम है प्लांट एस्कॉर्ट। प्लांट एस्कॉर्ट ये सभी का चहिता प्रोडक्ट हो सकता है जो सुंडी नाशक करके काम करता है, जो ईयर के लिए काम करता है, जो इल्ली के ऊपर में काम करता है, जो उसे कंट्रोल करने के लिए काम करता है। जैसे मैंने पहले आपको कीड़े के बारे में बताया कि जब फेवरेबल कंडीशन होती है पौधों के ऊपर तब कीड़ों का नर मादी का मिलन होता है, 3 दिन के बाद में अंडे डाले जाते हैं, अंडों से ईयर बाहर निकलती है 3 दिन के बाद, मतलब जब अमावस की रात होती है तब नर मादी का मिलन होता है, उसके 4 दिन बाद छोटी छोटी इल्लियां आपकी खेत के ऊपर में काम करती है, नुकसान करने के लिए आती है। उस दौरान आपको इस दवाई का छिड़काव करना है प्लांट एस्कॉर्ट का, ताकि अगले जनरेशन तक मतलब 21 से 42 दिनों तक आपको किसी भी प्रकार के ईयर का या फिर किसी भी प्रकार के सुंडी का कोई भी अटैक आपके खेत के ऊपर में नहीं दिखेगा। इसका प्रमाण है एक लीटर पानी में 2 ml का छिड़काव करें और 1 एकड़ में आपने 250 ml का इस्तेमाल करना है। ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, 250 ml का पैकिंग अवेलेबल है। 1 एकड़ की एक बोतल हमने जो भी पैकिंग बनवाई है वो 1 एकड़ खेती के लिए बनवाई है, ये समझ लेना है। अगर आपको ज्यादा पानी लगता है, ये 250 ml 100 लीटर पानी में मिला के आपने इसको छिड़काव करना है। ज्यादा पानी अगर 100 लीटर से ज्यादा लगता है तो आपका प्रमाण रहना चाहिए 2 ml प्रति लीटर आपने इसका इस्तेमाल करना है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट अमावस के 6 या 7 दिन के बाद अपना छिड़काव करना बहुत जरूरी है, जब वो कीड़ो अंडे से बाहर निकल के ईयर अपनी नुकसान करता है तभी सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, तभी अगर इसका छिड़काव करते हैं तो हमें 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और किसान भाई का 2 से 4 स्प्रे आप बचा सकते हैं। अगर अन्य दवाइयां अन्य केमिकल्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें अगर 1 एकड़ में 5,000 की लागत लग रही है तो हमें प्लांट एस्कॉर्ट इस्तेमाल करते वक्त हम 800 से 1000 रुपए में उसका काम करा सकते हैं। तो इसका मतलब है हम किसान भाइयों के 2 से 3 हजार रुपए इस प्रोडक्ट के साथ में बचा सकते हैं। शर्त यही है कि अमावस के हर महीने की अमावस के 6 दिन बाद इस दवाई का हर क्रॉप्स के ऊपर में छिड़काव हो जाना बहुत जरूरी होता है, तो इसका आप ध्यान रखें। ये सभी प्रकार की ब्रॉड स्पेक्ट्रम लार्वा को कंट्रोल करता है। आज अगर केमिकल सेगमेंट में अगर आप जाओगे तो हर ईयर के लिए हर प्रकार की सुंडी के लिए अलग अलग दवाइयां मार्केट में अवेलेबल है, बट हमें अलग अलग सुंडी के लिए अलग अलग दवाइयां देने की जरूरत नहीं है। ये पूरे विश्व का ऐसा एकमात्र घोल है, दवाई है, जो सभी प्रकार की ईयर के लिए सभी प्रकार की सुंडियों के लिए काम करता है। शर्त यही है अमावस के 8 दिनों के अंदर में 6 दिनों के अंदर में आपने इसका छिड़काव करना बहुत जरूरी हो जाता है। सभी प्रकार की सुंडियों के लिए एकमात्र इलाज इसका नाम है प्लांट एस्कॉर्ट। 1 एकड़ में 250 ml आपको 100 लीटर पानी में मिला के इस्तेमाल करना है। पानी ज्यादा लग रहा है तो आपको 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से आपको इसका छिड़काव करना है। हर प्रकार की सुंडी के लिए ये काम करता है, इल्लियों के लिए ये काम करता है। दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं, वो प्रोडक्ट है ट्रिपमाइट। ट्रिपमाइट नाम से ही ये अंग्रेजी वर्ड है। ये थ्रिप्स और माइट्स जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं
मिर्ची की खेती, कपास की खेती या अन्य प्रकार की सब्जियों की खेती करने वाले सभी किसान भाई या फिर उन्हें पता है कि पत्तों के ऊपर में रस चूसने वाले कीड़ों का प्रादुर्भाव बहुत ज्यादा होता है। जब जब ये कीड़े आते हैं आपकी पत्तियों से जो हरा कलर है उसे चूसने की कोशिश करते हैं। जब भी ये चूसने की कोशिश करते हैं तो आपकी पत्तों का वो नुकसान करते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। जब पत्ते सिकुड़ जाते हैं तो वो अपने लिए अपना खाना नहीं बना सकते हैं। जो पत्तियों में हरा कलर होता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपनी पौधों के लिए अन्न प्रक्रिया तैयार करता है, अपना फूड खुद तैयार करता है। अगर वो हरा कलर अगर रस चूसने वाले कीड़ों ने अगर चूस लिया तो आपकी पौधों में किसी भी प्रकार का फूड नहीं तैयार हो सकता है, तो आपके नुकसान हो सकता है। इसीलिए थ्रिप्स और बाइट इस प्रकार की फूल कीड़े और जिसे स्पाइडर्स बोलते हैं बाइट्स, इसकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है। जब भी ये कीड़े आपकी पौधों के ऊपर आते हैं एक साथ आते हैं, जिससे पत्ते अगर थ्रिप से अटैक होता है तो पत्ते की सतह जो है वह ऊपर की ओर मुड़ जाती है, और माइट्स का अगर अटैक है तो पत्ते की सतह जो है नीचे की तरफ मुड़ जाती है। अगर ये दोनों का अटैक एक साथ अपने पौधों के ऊपर होता है तो इसके लिए केमिकल पेस्टिसाइड में दो या तीन प्रकार की दवाइयां मिक्स करके आपको छिड़काव करना पड़ता है, जिसमें किसान भाइयों के बहुत पैसे बर्बाद हो जाते हैं। हमने एकमात्र ऐसी दवाई बनाई है कि किसी भी प्रकार की रस चूसने वाले कीड़े अगर आपके खेत में आते हैं तो उसका अटैक हम इमीडिएटली एक ही स्प्रे से आपको उनको खत्म कर सकते हैं। हम किसी प्रकार के कीड़े को खत्म तो करते ही नहीं है, वो खुद खत्म हो जाते हैं। तो थ्रिप्स और माइट्स को एक साथ कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण में लाने के लिए या फिर इसका खात्मा करने के लिए एकमात्र दवाई है जिसका नाम है थ्रिप्स और माइट्स। इसका अटैक आपकी पौधों के ऊपर में जब आपके पौधा फूल के ऊपर आता है या फूल जब आपके पौधों के ऊपर लगता है तब इसका हेवी अटैक आपको देखने को मिलता है। ज्यादा से ज्यादा सब्जियों के ऊपर में, कपास की खेती के ऊपर में, हर प्रकार की खेती पर इसका अटैक बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। और जब फूल की खेती होती है, फूल जब आपके खेतों के ऊपर लगते हैं तब आप कोई भी किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परागीकरण करने के लिए आपको फूल के कीड़े आना बहुत जरूरी होता है। जब अगर आप थ्रिप्स और माइट्स के लिए कोई केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो फूल के कीड़े जो है वो खत्म हो जाते हैं, परागीकरण नहीं होता है। इस तरीके से आपके यील्ड का भी नुकसान हो सकता है। तो एकमात्र ऐसी दवाई है जो आपकी मधुमक्खियों को ना खत्म करते हुए, आपकी मधुमक्खियों को वैसे ही रखते हुए, थ्रिप्स और माइट्स इस रस चूसने वाले कीड़े को खत्म करता है। 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से आपने इसका इस्तेमाल करना है। आप ध्यान में रखना है कि ये कीड़े आपकी खेती के ऊपर, जब आपके पौधों के ऊपर में फूल लगते हैं और फूलों से फलों के ऊपर रूपांतरित होता है तब ये कीड़े आपकी खेती के ऊपर में आते हैं। डोजेस आप एक बार फिर से सुन ले, 1 लीटर पानी में आपने 2 ml का इस्तेमाल करना है या फिर 1 एकड़ में आपने 250 ml का इस्तेमाल करना है, 100 लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव करना है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, इस कीड़ों की उत्पत्ति भी, शुरुआत भी अमावस के 7वें-8वें दिन शुरुआत हो जाती है। उस समय आपने इस दवाई का छिड़काव करना है ताकि आप 100% रिजल्ट ले सकें। आपको समझ में आ रहा होगा कि अमावस की रात का या फिर अमावस के कुछ दिनों बाद में आपने खेती के ऊपर में कितना ध्यान देना चाहिए। आपने ये साइंस, ये कोई मान्यताएं नहीं है, ये साइंस है जो आपने हर किसान को बताना चाहिए। आज कुछ किसान अगर इस मीटिंग में आए हैं, इस जूम के दौरान हमारे साथ में अगर जुड़े हैं तो वो समझ सकते हैं कि अमावस की दिनों का हमें क्या महत्व हो सकता है। तो आप लोग भी ये मैसेज अपने किसान भाइयों तक पहुँचाने में मदद कर सकते हैं। आपके सामने इंडिया एग्रो कस्टमर केयर का नंबर हमने आपको दिया है, जिसमें हम फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, कागज पे अगर आपके पास में है तो वो नोट डाउन कर लें, 7499567710। हिंदी में बताना चाहूंगा 7499
5677710। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, इंडिया एग्रो कस्टमर केयर नंबर है 7499567710, 7710। ये नंबर पर आप किसी भी प्रकार के व्हाट्सएप के मैसेज या फिर कोई पिक्चर जहां पर कोई अटैक है, जहां पर कोई डिसीज है, वो आप हमें भेजना चाहते हैं, आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप वो पिक्चर्स या फिर टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। इसके ऊपर में कॉल्स एंटरटेन नहीं की जाएगी, आप कॉल ना करें, आप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो आपको 24 घंटे के अंदर में आपको ये मैसेजेस दे सकते हैं। कोई रीजनल लैंग्वेजेस इसके ऊपर में इस्तेमाल ना करें, इसके ऊपर में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी, इसी दो लैंग्वेजेस से आप मैसेजेस भेज सकते हैं, क्योंकि कस्टमर केयर में जो बैठे लोग हैं, हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस है जो कि वो लोग नहीं जानते हैं, अंग्रेजी या हिंदी, ये दो ही भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नो कॉल्स, ओनली टेक्स्ट मैसेजेस एंड व्हाट्सएप मैसेजेस। आप हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं वो ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए भी आप इसको ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ये सिर्फ आपको अपनी इंडिया शॉपिंग की वेबसाइट के ऊपर में आपको अवेलेबल रहेंगे। आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, वहां से आपको ये मिल सकते हैं, है सिर्फ और सिर्फ इंडिया शॉपिंग के माध्यम से आप इसे पा सकते हैं, या फिर कोई भी पीयूसी सेंटर से आप इसे पा सकते हैं और आप इसे ले सकते हैं। अगर आप फूलों की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए आप थ्रिप्स और माइट्स का इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। प्लांट एस्कॉर्ट के डोजेस के बारे में आपको बताया है कि जो आपको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको इसको छिड़काव करना है। यस, भूअस्त्र आप जब खेती शुरुआत करते हैं, बीज की बुआई होती है, उस दौरान आपको 1 एकड़ में 2 किलो इस प्रकार से आपको इस्तेमाल करने हैं। गन्ने में आपका भूअस्त्र का डोज जो है वो 6 से 8 किलो रहेगा। प्लांट एस्कॉर्ट का डोज आप डेफिनेटली रिपीट कर सकते हैं। कोई भी अपनी दवाई अगर हम एक के पीछे एक रिपीट करते हैं तो किसी भी इंसेक्ट में आप इसको रेजिस्टेंस नहीं पाएंगे। अगर आपके खेत में अगर हुमनी, जिसे मराठी में हुमनी बोला जाता है या वाइट ग्रब बोला जाता है, उसमें आप भूअस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। भूअस्त्र एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके जमीन के लिए नुकसानदायक नहीं होता है, इको फ्रेंडली होता है, जमीन में जो माइक्रोब्स होते हैं उसके लिए ये नुकसान नहीं करता है। तन्नाशक अभी हमारा लॉन्च हुआ नहीं है। मूंगफली में आप भूअस्त्र 1 एकड़ में 4 किलो डाल सकते हैं। कपास की खेती के लिए भी आप 1 एकड़ में 4 किलो डाल सकते हैं, 2 किलो की बैग आपकी उपलब्ध है। किसी भी प्रकार के खाद के साथ में शुरुआती अवस्था में जो आप हम खाद डालते हैं उसमें आपको जमीन से ही ये मिला के देना है। आप खाद में भी, केमिकल खाद में भी मिला के भूअस्त्र डाल सकते हैं। भूअस्त्र की उपलब्धता हर जगह पे आपको मौजूद है। जिंजर की खेती में भी आप 1 एकड़ में 2 किलो शुरुआती अवस्था में आप इसको दे सकते हैं। मेज की खेती में भी, मक्का की खेती में भी आप इसको 1 एकड़ में 2 किलो डाल सकते हैं। मिर्ची में आपको थ्रिप्स और माइट्स का बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। फूलों की खेती में आपका इसका बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। शर्त यही है कि अमावस के दिनों में आपका वो 6 से 8 दिनों के अंतराल में आपको इसका जवाब इस्तेमाल जरूर करना है। डोजेस के ऊपर में आप ध्यान दें। हर प्रोडक्ट की बोतल 1 एकड़ के लिए बनाई गई है। 100 लीटर के पानी के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल करना है। पानी ज्यादा अगर लगता है तो आपको 1 लीटर पानी में इसका डोज 2 ml का है। चौली की खेती में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे सवाल आपके हो सकते हैं, आने वाले कुछ दिनों में भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको बोलूंगा कि कस्टमर केयर का नंबर आपको दिया गया है, उसके जरिए हम 24 घंटे 365 दिन आपके साथ में जुड़े हैं। एक बार सवाल पूछने के बाद में 24 घंटे के अंदर में आपको जवाब डेफिनेटली मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। कल हम अगले 3 प्रोडक्ट के साथ में इसी दौरान इसी समय आपके साथ में जुड़ेंगे। थैंक यू।